क्लासेस के चक्कर में ज़्यादा टाइम ईयरफोन्स यूज़ करना पड़ता है और मेरा विटामिन डी कैल्शियम की टैबलेट्स चल रही है, क्या ये कारण से मेरे से बिना सहारे के सिर नहीं रखा जा रहा है, बैक ऑफ हेड बहुत पेन हो रहा है? यस, ये सब रीजंस हो सकते हैं आपके कंप्लेंट के। बहुत सारे लोगों को यू नो ईयरफोन्स की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। मेरे पास 2-3 पेशेंट्स हैं जो ईयरफोन्स कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनको टिनिटस हो गया है, उसकी वजह से उनको वर्टिगो भी होता है। यस, वर्टिगो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो बहुत लंबे समय तक ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, और स्पेशली ऐसे ईयरफोन्स जो यू नो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो इस तरह के ईयरफोन्स अगर यूज़ करते हैं तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कानों में दर्द होता है, और कानों में दर्द होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का और वो है वर्टिगो। यस, पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, या फिर मुझे कानों में दर्द कर रहा है, या फिर सर में दर्द कर रहा है। ये अनफिटिंग या प्रॉपरली फिटिंग ईयरफोन्स जो नहीं होते उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। क्या होता है कि कई बार आप जब ईयरफोन्स बहुत ज़ोर से एकदम कुछ लोगों को एकदम ऐसे दबा के ईयरफोन्स ये करने की आदत होती है ताकि बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई ना दे, अभी उसकी वजह से ना कानों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। अब कानों में अगर नेगेटिव प्रेशर इस तरह से बनता है तो उसकी वजह से आपका ईयर ड्रम पे इफेक्ट हो सकता है और आपको सच में फ्यूचर में कम सुनाई देना दे सकता है। आपको एक पता होगा, एक्चुअली मेरे फ़ोन में है, आई डोंट नो आपके फ़ोन सभी फ़ोन्स में है या नहीं, जब हम ईयरफोन्स लगाकर कुछ भी सुनते हैं तो जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं और मैक्सिमम करते हैं तब ऑटोमेटिकली फ़ोन में एक वार्निंग आती है कि इससे ज़्यादा अगर आपने बढ़ाया तो आपके कानों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप हाई वॉल्यूम पर ना सुने। अभी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो ऑब्वियसली ये करना ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे 2-3 सजेशंस हैं। सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है तो ब्लूटूथ स्पीकर या फिर कोई भी स्पीकर आप अटैच करके सुन सकते हो, दैट वुड बी बेटर, बेस्ट होगा। सेकेंडली, अगर आप ईयरफोन्स यूज़ करते हो तो जस्ट सी के अगर आप एक ही कान में यूज़ करो फिर बाद में दूसरे कान में लगाओ, इस तरह से ऑल्टरनेट करो, दोनों कान में एक साथ मत करो। और जो वॉल्यूम जो होता है वो इस तरह का वॉल्यूम रखिए कि आपको सुनाई भी दे और दूसरा बाहर का भी आवाज़ थोड़ा सा सुनाई दे और वो जो बात कर रहे हैं वो क्लियरली सुनाई दे। वॉल्यूम एकदम फुल मत रखिए, ऑलराइट? दूसरी बात, ईयरफोन्स को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ईयरफोन्स की वजह से कानों में इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी ईयरफोन्स को कैसे क्लीन करें? देखिए, आजकल तो सैनिटाइज़र का ज़माना है, तो सैनिटाइज़र से आप डेफिनेटली क्लीन कर सकते हो, हर रोज़ आप क्लीन कर सकते हो। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इस तरह का कानों में प्रॉब्लम होता है तो आउटर ईयर ईयरफोन्स जो होते हैं, जो हम लोग ऐसे, दैट इज़ दी बेस्ट ईयरफोन, ओके? जो हम लोग इनर ईयर ईयरफोन्स पहनते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते। जो आउटर ईयर ईयरफोन्स है, देखिए जैसे ये वाला, दिस इज़, ये जो ईयरफोन्स है ये रिकमेंडेड है। इस तरह के ईयरफोन्स आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा फटीग भी नहीं होगी, कानों में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और ईयर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ ईयरफोन्स है। आउटर ईयर ईयरफोन्स हम लोग कहते हैं, इनर ईयर ईयरफोन्स थोड़े से डेंजरस होते हैं और ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली अगर आपका ऑनलाइन क्लास लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है तो इस तरह के जो मैंने आपको बताया इस तरह के ईयरफोन्स आप यूज़ कीजिए, ओके? अगर आपको कानों में पेन होता है तो डेफिनेटली आपको, जब भी आपको पेन होता है तो उस 1-2 दिन जब तक पेन सबसाइड ना हो तब तक ईयरफोन्स मत यूज़ कीजिए, ब्लूटूथ स्पीकर या फिर आउटर ईयर ईयरफोन्स यूज़ कीजिए, ओके? ऑल दिस